के उज्जवल निगम को डिफेम किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है, कंप्लेन की गई है कि जो करकरे हैं, हेमंत करकरे, उनको कसाब की गोली से नहीं मरे वो पुलिस। बात ऐसी है कि हेमंत करकरे शहीद है, हेमंत करकरे देश के लिए लड़े। जब कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे, कसाब की गोली से लगे और कोई टेररिस्ट उनके गोली से लगे वो मेरा काम, हमारा काम नहीं है। लेकिन बैटलफील्ड पर करकरे साहब थे, वो एटीएस के चीफ थे उस वक्त, दहशतवाद टेररिस्ट विरोधी जो हमारा जो एक स्क्वाड था उसके प्रमुख थे। तो अगर मुंबई पर टेररिस्ट हमला हुआ है तो मिस्टर हेमंत करकरे जो एज एटीएस चीफ वहां गए, उनकी टीम गई और वो शहीद हो गए। अब कुछ लोगों ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि करकरे साहब का जो शहादत है वो रहस्यमय, मैं ये नहीं मानता हूं। उधर और भी पुलिस शहीद हो गए, वहां और भी पुलिस अधिकारी शहीद हो गए, आपको मालूम है, अशोक कामटे साहब हो गए, और भी पुलिस सिपाही हो गए, चाहे वीटी में हो, चाहे मरीन लाइफ में तुकाराम मुंबले शहीद हो गए। यहां करकर वो एक बहुत बड़ा युद्ध था देश के दुश्मनों के खिलाफ, फिर भी करकरे साहब का नाम जो आया है, विजय वडेट्टीवार साहब ने यह पहली बार नहीं कहा है। मैं दो बात आपके सामने रखता हूं। उसके बावजूद आरएसएस और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए इस प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरी राय है व्यक्तिगत, मैं एक पत्रकार हूं, एडिटर हूं, लोगों से मेरी बातचीत होती, इसलिए कि एटीएस ने उस वक्त दो लोगों को पकड़ा था टेररिस्ट एक्टिविटी में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह आपको मालूम है और दूसरे कर्नल पुरोहित जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, दूसरे एक स्वामी दयानंद थे, एक रमेश उपाध्याय थे, मेरी याद अभी भी वो है। मैं उस केस में उस वक्त स्टडी कर रहा था, मेरे पास बहुत से लोग आते थे, खास करके आरएसएस के लोग आते थे, ये गलत तरीके से करकरे साहब ने एक्शन लिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित की फैमिली मेरे पास आती थी कि हमारे लोगों को गलत तरीके से मिस्टर करकरे ने फंसाया है और आरएसएस का उनका एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था, उसकी वजह से मुझे लगता है ये थ्योरी सामने आई है। दूसरी बात, विजय वडेट्टीवार का नाम आप क्यों लेते हो? हु किल्ड करकरे, ये एक किताब आपने पढ़ी होगी जिससे मेरा कोई संबंध नहीं। हु किल्ड करकरे किताब किसने लिखी है? जो हसन मुशरीफ जो बीजेपी के साथ है उनके भाई ने लिखी है। ऐसे मुशरीफ जो उस वक्त आईजी थे और वो हसन मुशरीफ साहब आज बीजेपी के साथ है, तो आप सवाल मुशरीफ साहब से पूछिए ना, आपके भाई ने किताब क्यों लिखी, आपका क्या संबंध है उससे? और उसमें भी यही थ्योरी यही है इसलिए कि करकरे ने कर्नल पुरोहित जो आरएसएस के चहेते रहे हमेशा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर, उनको टॉर्चर कर रहे, एक शंकराचार्य थे, कोई दयानंद स्वामी, रमेश उपाध्याय, ऐसे बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था और वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये बार बार ये थ्योरी सामने आई है। लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूं, वहां टेररिस्ट अटैक हो गया और उसमें उनको शहादत हो गई। उज्जवल निगम की वजह से ये सब नाम आया, मुझे मालूम नहीं क्या कहना चाहते हैं। टू गिव एज टू उज्जवल निगम हो सकता है, यही हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल हसन मुशरीफ जी के जो भाई है जो आईजी थे उस वक्त, उसने जो किताब लिखी है हु किल्ड करकरे, उनसे ये सवाल मुशरीफ साहब से पूछना चाहिए। और उस वक्त के आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे
जो करकरी जी के खिलाफ लगे थे उस वक्त, कर्नल पुरोहित के बारे में, साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेजर रमेश उपाध्याय, तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन हेमंत करकरे देश के लिए शहीद हुए। सर विजय वडेट्टीवार ये